मैं साकिब निसार साहब से आज कौम के सामने ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त का जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर था, करोड़ों लोगों के वोट से आया था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो कोई पागल था कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान और अपनी पूरी पार्टी समेत वो कानून जानते हुए कि ये इंतकाम था, झूठ था, वो कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी बेटी को लेकर कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी 3 नस्लों का उन्होंने हिसाब दिया, वो कोई पागल थे कि आप ये कह के डिसमिस कर देंगे कि मैं कोई पागल हूँ कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता फिरूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी? तो साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुरत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें? मरियम नवाज शरीफ की अगर सज़ा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सज़ा दें? और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है? किसने आपको ये कहा? YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।